मंदा की तई कालिया मैनू बेशी कर दिता। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं तारक सानी ते तुसी वेख लो मेरे यूट्यूब चैनल रबर एंटरटेनमेंट प्लस। आज बड़ी तलाश तो बाद और बड़ी भाग तोड़ तू बाद एक फिल्म जेड़ा मैं तुहाडे आस्ते ढूंढी और बड़ी ही जबरदार फिल्म है और इस फिल्म का नाम है वलिया। ऐ सुल्तानरे की बड़ी ही बेहतरीन फिल्म है और इसके अंदर सुल्तान ने बड़ा ही अच्छा काम किया है। यह फिल्म यूट्यूब पर मौजूद नहीं है, तो मैं वीडियो से एंड दे या वीडियो के दौरान मैं दसागा कि कितने जाके तुसी ए पूरी फिल्म वेख सकते हो। 3 अगस्त 1990 बरोज जिमा रिलीज़ होने वाली एक रंगीन पंजाबी फिल्म वलिया। इस फिल्म का जोड़ा मौजू है कतलो इंतकाम पुलिस मुकाबला जोड़ा रूटीन दिया फिल्म बननिया सन। इस फिल्म का जोड़ा टाइटल रोल है अदाकार सुल्तान रई ने अदा किया है। इस फिल्म के अदाकार सुल्तान रई, अंजुमन, तेनू फड़न च नाकाम हो गई, हुमायूं कुरैशी, ऐनी खतरनाक जगह नु हाथ पाना, नसरुल्ला भट्ट, तेरा इत्थे पहुंचना सब, ज़ाहिर शाह, ती पियो किसी और नु बना लांगे, अदीब, गोली चलान तो पहला, सोनिया, तानवीर तो वक्त में चुकान देना में काम, तंजीम हसन, इत्तेजादन आपके कानून को, आ, बहार बेगम, ते बुला ले जान, ए रंगीला, हदयात मोहम्मद रशीद डोगर, फिल्म साज खुर्शीद अहमद, एदा म्यूजिक दिता है वजाहत अत्रे ने। इस फिल्म के अंदर टाइटल रोल अदाकार सुल्तान रई ने अदा किया है। वलिया दे इस फिल्म के अंदर दो रूप होंदे ने, यानी कि एक शख्स होंदा और उहदे दो रूप होंदे ने। एक तरफ वह वलिया बन के दुश्मनों को इंतकाम लैंदा है, दूजी तरफ वह सेठ चांदी वाला बन के लोगों नू बेवकूफ बनांदा है। इस फिल्म के अंदर तंजीम हसन ने पुलिस इंस्पैक्टर का किरदार अदा किया जिसका नाम वली मुहम्मद होंदा है। वली मुहम्मद जेड़ा वह वलीए का प्यो होंदा है। इस फिल्म में तंजीम हसन ने एक पुलिस इंस्पैक्टर का किरदार अदा किया है और हुमायूं कुरैशी ने इस फिल्म के अंदर डोगर का किरदार अदा किया है जिहड़ा एक बदमाश और स्मगलर कातल होंदा है। और तंजीम हसन उसका पीछा करता है और उन्हें मुजरम साबित करने की कोशिश करता है। इस खार के अंदर डोगर जिहड़ा होंदा है वह वली नूं फांसी दे देंदा है और फांसी दे के उन्हें कतल कर देंदा है। इस चीज़ का गवाह उसका पुत्र वलिया होंदा है। वलिया जवान होकर इंतकाम बन जाता है और वह पेस बदल लैंदा है। जैसा कि मैं तुहानूं पहले दस्सिया कि वलिया पेस बदल लैंदा है, एक तरफ वो सेठ चांदी वाला आंदा है, दूसरी तरफ वह वलिया आंदा है। जिहड़ा सेठ चांदी वाला आंदा है वह एक मजाइया टाइप किरदार आंदा है। सेठ चांदी वाला एक मजाइया टाइप किरदार आंदा है जिहड़ा लोगों नूं बेवकूफ बनांदा है और बोंगियां मारदा है, और दूसरी तरफ वह वलिया बन के लोगों को अपने दुश्मन को इंतकाम लैंदा है और नसरुल्ला भट्ट की बांह वढ़ देता है, क्योंकि नसरुल्ला भट्ट ने अदालत की झूठी गवाही दी होती और झूठा कुरान चुकया होता है। इस जुर्म बांह वढ़ देता है। तो बहार बेगम ने इस फिल्म के अंदर असमे मामूल सुल्तान रई की वालदा का किरदार अदा किया है और सिर चांदी वाला एक मजाइया किरदार होता है और अच्छी कॉमेडी की है। एक तरफ सुल्तान रई ने वलिए का किरदार अदा किया जो बहुत वड़ा बदमाश होता है, लोगों को इंतकाम लैंदा और कैर बन के टूट पैंदा है, और दूजी तरफ उसने सेठ चांदी वाले का किरदार अदा किया जिहड़ा एक बोंगा शख्स होंदा है, और सुल्तानी ने अच्छी कॉमेडी की है। अंजुमन ने इस फिल्म के अंदर शकीला का किरदार अदा किया जिहड़ी एक पुलिस इंस्पैक्टर होंदी है, और सारे पुलिस की एक ख्वाहिश होंदी है और साबित करना चाहती है कि जिहड़ा वलिया है वो ही सेठ चांदी वाला है और जिहड़ा सेठ चांदी वाला है वो ही वलिया है। लेकिन काफ़ी कोशिश के बावजूद वो ये साबित नहीं कर सकते। आखिर अंजुमन जिहदा नाम शकीला होंदा है, पुलिस इंस्पैक्टर होंदी, वह पेस बदल के वलिए दे पिछे पै जाती है, उन्हें गिरफ्तार भी करवाती है, अदालत की केस भी चलता है, लेकिन इसके बावजूद वो ये साबित नहीं कर सकती कि सेठ चांदी वाला ही वलिया है। आज तो 20 साल पहला पुराने फांसी का मंदिर याद करो, जब पीऊ दे पैर एक पुत्र
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੋਗਰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ਕੀਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ, ਅੰਜਮਨ ਸ਼ਕੀਲਾ, ਉਹ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਵਲੀਆ ਹੀ ਇਸ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਡੋਗਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਗਰ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਲੀਏ ਦੀ ਭੈਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਕੀਲਾ ਅੰਜਮਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ 'ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਸੋਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਖਰ 'ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਲੀਆ ਹੀ ਸੇਠ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਸੇਠ ਚਾਂਦੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਲੀਆ ਹੈ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਫਿਲਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਗਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਕਾਮੇਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟ ਪਿਆ, ਐਕਸ਼ਨ ਔਰ ਕਾਮੇਡੀ ਦੋਨੋਂ ਮਿਕਸ ਆਪਣ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਤੜਕਾ ਇਸ ਫਿਲਮ 'ਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਏ ਨੇ ਹਸਤੇ ਮਾਮੂਨ ਬੜੀ ਹੀ ਅੱਛੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਮਾਈਓ ਕੁਰੇਸ਼ੀ ਨੇ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਰ ਹਨ ਤਮਾਮ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ। ਅਗਰ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਮੋਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਰੱਬ ਰਾਖਾ।